नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अक्सर जब भी घर की साफ सफाई की बात आती है तो सब लोगों को दिवाली के त्यौहार का ध्यान आता है और अक्सर लोग दिवाली के त्यौहार पर ही अपने घर की साफ सफाई करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि जिस दिन हमें अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए और खास करके घर का एक ऐसा कोना होता है जिसे हमें निश्चित तौर पर होली के दिन साफ करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तब ऐसा करने से हम लोग अपने घर में सुख शांति और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं कि आखिरकार हमें घर के कौन से कोने की सफाई होली के त्यौहार पर निश्चित रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हमें किसी भी त्यौहार पर अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस बात को कहा जाता है कि होली के अवसर पर हम सभी लोगों को अपने घर से टूटी फूटी और जो भी बेकार की चीज़ें पड़ी हों उन सबको अपने घर से दूर कर देना चाहिए और अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए, खास करके घर का ईशान कोण, क्योंकि इस बात को कहा जाता है कि अगर व्यक्ति के घर के ईशान कोण की साफ सफाई अच्छे से होती है और ईशान कोण साफ सुथरा होता है तब घर के व्यक्तियों के जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। शास्त्रों के मुताबिक इस बात को कहा जाता है कि ईशान कोण देवी देवताओं का स्थान होता है। दोस्तों, ईशान कोण घर की उत्तर पूर्व की दिशा को कहा जाता है। इसी कारण से व्यक्ति को होली के अवसर पर विशेष रूप से अपने घर को साफ करना चाहिए और खास करके ईशान कोण को मुख्य रूप से साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के घर में समृद्धि बढ़ती है।